सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। वो जो कुछ कहना है कह ले। बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्म मंटो भारत में 21 सितंबर को रिलीज हो रही है। आइए जानते हैं वो 5 वजहें जो मंटो के चर्चा में होने का कारण भी है और जो इस फिल्म को देखने के लिए प्रेरित भी करती हैं। किसी भी फिल्म का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पार्ट स्क्रिप्ट होती है, लेकिन बायोपिक फिल्मों के बनाने में सबसे ज्यादा खतरा उसकी स्क्रिप्ट के भटकने का ही होता है, लेकिन मंटो की स्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है। फिल्म की कहानी जितनी उम्दा है उतनी ही कसी हुई स्क्रिप्ट भी है। मंटो की स्क्रिप्ट और बेहतरीन डायलॉग्स इस फिल्म को देखे जाने की बहुत बड़ी वजह है। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। फिराक के बाद दूसरी बार नंदिता दास ने किसी फिल्म का निर्देशन किया है। उम्दा अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली नंदिता दास संजीदा निर्देशक भी हैं, मंटो इसे साबित करती है। यह नंदिता दास के निर्देशन का ही कमाल है कि फिल्म कहीं भी भटकती नहीं है। नंदिता दास का दक्ष निर्देशन भी इस फिल्म को देखे जाने की एक बड़ी वजह है। मंटो में लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, जिसमें कई बड़े और नामचीन सितारे हैं। यह फिल्म को और समृद्ध करती है। हालांकि कभी कभी ज्यादा कलाकारों के होने से सबका काम बढ़िया से उभर कर सामने नहीं आ पाता है और निर्देशक कलाकारों की लंबी चौड़ी फौज से उनका बेस्ट अक्सर नहीं निकाल पाता है। मंटो इस मामले में भी अपवाद है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लीड रोल के अलावा ऋषि कपूर, परेश रावल, राष्ट्रिका दुग्गल, राजश्री देशपांडे, दिव्या दत्ता, ताहिर भसीन, इला अरुण, गुरदास मान और जावेद अख्तर समेत कई नामचीन सितारे हैं। इसलिए ये कोई नई बात तो जी, मैं अंसार शबनम दिल। पहले तो आप अपना नाम बदलो, उसके बाद मुझसे मुखातिब हो। तो मैं कह रहा था कि माफी चाहता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि आपके कई अफसाने मायूसी और अफसरदगी से भरे हैं। इन्हें तो कोई पढ़ के खुदकुशी कर ले। हाँ, अगर उसका नाम अंसार या जो कुछ भी उसके बाद में है वो हो तो वो कर सकता है। बेहतरीन अभिनय के लिए मशहूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी मंटो देखे जाने की बड़ी वजहों में से एक है। किसी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का होना उस फिल्म में बेजोड़ अभिनय की गारंटी करता है। मंटो के साथ भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूरा का पूरा न्याय किया है। फिल्म में उनके अभिनय को देखकर लगता है कि वे मंटो के किरदार में पूरी तरह से उतर गए हैं। मंटो के कई दृश्यों में नवाज बिल्कुल मंटो की तरह लगे हैं। मंटो सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बेजोड़ अभिनय के लिए भी देखी जा सकती है। मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आपको मेरा अफसाना पसंद आए या ना आए इसका फैसला आप कर ले। मेरी कहानी मेरी दूसरी कहानी की पाई की है या नहीं इस पे बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर लें, लेकिन अदब यानी लिटरेचर हरगिज हरगिज फहश नहीं हो सकता। लेकिन मंटो देखे जाने की सबसे बड़ी और जरूरी वजह खुद मंटो का कैरेक्टर और उनकी कहानी है। यह मंटो की बेमिसाल शख्सियत ही है कि फिल्म में काम करने के लिए कई कलाकारों ने पैसा नहीं लिया तो कई ने बहुत मामूली चार्ज किया।
खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बतौर मेहनताना सिर्फ एक रुपया लिया है। 40 और 50 के दशक के सबसे विवादित, बदनाम और मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की जिंदगी वैसे भी किसी फिल्म से कम नहीं रही है। समाज की काली सच्चाई को अपनी कहानियों के जरिए बार बार सामने लाने वाले मंटो का लेखन हमेशा समाज के उपेक्षित और वंचित तबकों, खासकर स्त्रियों और उसमें भी हाशिए की स्त्रियों के पक्ष में रहा उनकी आवाज बनकर। आपके अफसानों में औरतों के लिए हमेशा एक खास हमदर्दी होती है। हर औरत के लिए नहीं, कुछ तो उसके लिए जो खुद को बेच तो नहीं रही लेकिन लोग उसे धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं, और कुछ उसके लिए जो रात को जागती है और दिन को सोते में डरावना ख्वाब देख टूट जाती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह फिल्म सिर्फ मंटो को जानने, उन्हें समझने और खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए भी देखे जाने की डिमांड करती है। गुड़ दी, अनक से दी, बैद्यान दी, मूंग दी, दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान एंड मंटो। वो जो कुछ कहना है कह ले।